السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على رسول الكريم أحمد المتبع محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. आज के दर्स में मारिफा नकीरा के हवाले से हम लोग तीसरा सबक पढ़ेंगे. आज हम लोग इस्म की तकसीम, इस्म तकसीम होता है मारिफा नकीरा आम और ख़ास के अतबार से, उसकी बहस पढ़ेंगे कि इस्म आम के अतबार से कैसे तकसीम होता है और ख़ास के अतबार से कैसे तकसीम होता है. इस्म की तकसीम आम व ख़ास के अतबार से मारिफा नकीरा. इस्म की तकसीम मारिफा आम व ख़ास के अतबार से. इस्म की कई किस्में हैं. आज हम पहला दर्स जो तीसरा है आज का, उसमें हम आम ख़ास के अतबार से पढ़ेंगे कि आम और ख़ास के अतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं. और उसके बाद दूसरे सबक में हम पढ़ेंगे कि जिन्स के अतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अदद के अतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं. तो आज सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इस्म की किस्में आम और ख़ास के अतबार से. उसकी दो किस्में, नंबर एक मारिफा, नंबर दो नकीरा. मारिफा व नकीरा, नंबर एक तो इस्म की दो तकसीम याद हो गई, ये आम खास के अतबार से है. नंबर एक मारिफा, नंबर दो नकीरा. मारिफा की तारीफ, वो इस्म है जो किसी मुतय्यन शख्स या जगह या चीज़ को बताए. हाँ, या चीज़ या नाम को बताए. मारिफा वो इसमें है जो किसी जगह या चीज़ या नाम को बताए. और उसके बाद नकीरा वो इस्म है जो किसी गैर मुतय्यन शख्स या चीज़ या जगह को बताए. नकीरा वो इस्म है जो किसी गैर मुतय्यन शख्स जगह या चीज़ को बताए.
मारिफा है। तो मारिफा की तारीफ हम लोगों ने ये पढ़ी है कि वो इस्म है जो किसी जगह या चीज़ या शहर को बताए। मारिफा की वजह से कोई चीज़ खास हो जाती है, मारिफा में कोई चीज़ खास हो जाती है, मुतय्यन हो जाती है, फिक्स हो जाती है, कोई और चीज़ या कोई और नाम मुराद नहीं हो सकता है। मारिफा में कोई चीज़ मुतय्यन हो जाती है, दूसरी नहीं हो सकती है, ख़ास हो जाता है। मारिफा के अंदर तख़सीस हो जाती है, ख़ास हो जाता है। और नकीरा के अंदर हम कोई भी चीज़ मुराद ले सकते हैं, नकीरा के अंदर कोई चीज़ ख़ास नहीं होती है। आम चीज़ को बताने के लिए नकीरा, आम चीज़ को बताने के लिए जो बोला जाता है उसको नकीरा कहते हैं अरबी के अंदर। जैसे मारिफा की मिसाल है अली, अली जब बोलेंगे तो ये किसी शख्स का नाम है और अली जिसका नाम होगा वो मुतय्यन हो जाएगा। इसी तरह दिल्ली है, दिल्ली एक ख़ास सिटी का नाम है। इसी तरह लखनऊ, ये भी एक सिटी का नाम है जो मुतय्यन है, मशहूर है। इसी तरह से हम लोग कहेंगे अल कलम, जब अलिफ लाम लगा देंगे तो ये मारिफा हो जाएगा। सिर्फ कलम बोलेंगे तो ये नकीरा हो जाएगा, लेकिन जब इस कलम पर अलिफ लाम दाखिल कर देंगे तो मारिफा हो जाएगा और वो का ये कलम मुतय्यन हो जाएगी। जब मैं कह दूँ अल कलम तो ये कलम मुतय्यन हो जाएगी, कोई दूसरी और कलम बुरा नहीं सकती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूँ कलम कहूँ अलिफ लाम न लगाऊँ, सिर्फ कलम कहूँ तो कोई भी कलम मुराद हो सकती है। ये चार कलम है, इसमें से कोई भी मुराद हो सकती है। तो मारिफा की मिसाल, मारिफा की अव्वल तारीख ये है, तो उसमें कोई भी चीज़ खास हो जाती है। जैसे अली ये नाम खास हो गया, किसी इंसान का नाम है जो अली नाम है वो मशहूर या ख़ास नाम है। इसी तरह से दिल्ली है, ये एक ख़ास सिटी का नाम है। इसी तरह लखनऊ है, ये भी एक ख़ास सिटी का नाम है। इसी तरह मैंने कह दिया अल कलम तो ये कलम मखसूस हो गई, कोई और कलम मुराद नहीं हो सकती है। इसी तरह नकीरा, नकीरा नकीरा की मिसाल वलदुन, वलदुन कह दिया, वलदुन का माना है लड़का, कोई भी लड़का मुराद हो सकता है। इसमें तख़सीस नहीं है, ख़ास नहीं है, कोई लड़का ख़ास नहीं है। अगर मैं सिर्फ कह दूँ वलदुन तो कोई भी लड़का मुराद हो सकता है, कोई भी लड़का मुराद हो सकता है। इसी तरह भिन्तुन, लड़की बेटी, भिन्त अगर कह दूँ तो कोई भी बेटी मुराद हो सकती है। इसमें कोई तख़सीस नहीं है कि ये बेटी है, बड़ी बेटी या छोटी बेटी, कौन सी मुराद है। इसी तरह मदीनतुन, मदीनतुन शहर का नाम है। अगर मैं मदीनतुन कह दूँ या बलदुन कह दूँ तो कोई भी शहर मुराद हो सकता है। अगर सिर्फ मदीनतुन कहूँ तो उसे भूज मुराद हो सकता है, अहमदाबाद मुराद हो सकता है, दिल्ली मुराद हो सकता है, लखनऊ कोई भी मुराद हो सकता है। इसी तरह किताबन कह दूँ, किताबन तो कोई भी किताब मुराद हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दूसरी किताब भी मुराद हो सकती है। लेकिन मैं कह दूँ अल किताब तो इससे यही किताब मुराद होगी, दूसरी कोई और किताब मुराद नहीं हो सकती है। तो ये इस्म की तकसीम है, इस्म की किस्में हैं आम व ख़ास के अतबार से, उमूमियत व खसूसियत के अतबार से। तो नकीरा की मिसाल जैसे मैंने कहा दिल्ली, लखनऊ या कलम, इसी तरह और मारिफा की मिसाल अल कलम दिल्ली लखनऊ, ये मारिफा की मिसालें हैं। वलदुन बेंतुन ये सब नकीरा की मिसालें हैं। उसके बाद ये पढ़ेंगे कि मारिफा की कितनी किस्में हैं, मारिफा की किस्में। तो ये मारिफा की चार किस्में हैं। मारिफा के अंदर खसूसियत पाई जाती है,
मारिफा के अंदर कोई भी चीज़ खास हो जाती है, आम नहीं रहती है, लेकिन नकीरा के अंदर आम चीज़ रहती है। जब मारिफा बना देंगे तो वो चीज़ खास हो जाती है। तो मारिफा की यहाँ पे चार किस्में हैं। नंबर एक अलम, अलम का मतलब है नाम, जैसे अली ये नाम है, जैद ये नाम है, जो भी नाम है वो सब मारिफा के अंदर आता है, जो भी नाम है वो सब मारिफा के अंदर है, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो या किसी सिटी का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, वो सब मारिफा के अंदर आते हैं। नंबर दो इसमें ज़मीर, नाम की जगह कोई और ज़मीर लगाई जाती है, जैसे हाजा, हिया, हुआ, अंता, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सिर्फ समझाने के लिए नाम की जगह ज़मीर लगा देते हैं। तो ये ज़मीरें जितनी भी हैं वो सब मारिफा के अंदर आती हैं। इसी तरह इसमें इशारा, इशारा की बहस आ चुकी है, जैसे हाजा, ये, जालिका, वो, ये सब मारिफा के अंदर आते हैं। इसी तरह किसी नाम पर या किसी चीज़ पर अलिफ लाम दाखिल कर देंगे तो वो भी मारिफा हो जाएगी। मौरफ बिल्लाम का मतलब होता है किसी पर, किसी नाम पर या किसी चीज़ पर अलिफ लाम दाखिल कर देना, किसी कलिमा पर अलिफ लाम दाखिल करना। मौरफ बिन लाम किसी कलिमा पर अलिफ लाम दाखिल कर देना। मारिफा की और भी किस्में हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चार बयान की हैं। हम लोग असल किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब से ही ले रहे हैं बस। अलम की तारीफ ये है किसी खास शख्स या खास जगह या खास चीज का नाम हो, जैसे हामिद, ये एक नाम है, खास इंसान का नाम है, किसी खास आदमी का नाम है, तो ये अलम है, अलम का मतलब होता है नाम। इसी तरह दिल्ली, ये भी एक खास सिटी का नाम है, इसलिए ये अलम है और ये मारिफा है। इसी तरह ताजमहल, ताजमहल ये भी अलम है, इसलिए कि ये नाम है, ताजमहल ये एक नाम है, इसलिए ये मारिफा है। तो अलम की तारीफ ये है कि किसी खास शख्स या खास जगह या खास चीज़ का नाम हो। हामिद ये खास इंसान का नाम हो सकता है, इसी तरह दिल्ली ये एक खास सिटी का नाम है, और ताजमहल एक खास जगह का नाम है, इसलिए इसको ताजमहल कहते हैं। तो ये मारिफा है, ये तमाम चीज़ें मारिफा के अंदर आती हैं। और मारिफा की किस्म कौन सी है? अलम है, अलम नाम, ये तमाम इस नाम है। उसके बाद ज़मीर, वो इस्म जो किसी खास शख्स या चीज़ या जगह के बजाय इस्तेमाल हो। ज़मीर जो किसी इंसान या जगह के नाम के बजाय, जैसे यहाँ पे हामिद है, हामिद ये नाम है, लेकिन हामिद की जगह मैं ये कह दूँ कि हुआ, हामिद की जगह मैंने कह दिया हुआ, यानी वो, इशारा कर दिया हामिद की तरफ, या ज़मीर इस्तेमाल की हुआ वो। हाँ, ज़मीर की तारीफ जो वो इस जो किसी खास जगह या चीज़ के नाम के बजाय ज़मीर इस्तेमाल कर दी जाए, जैसे या हामिद न कहा जाए, सिर्फ वो कह दिया हुआ, या जैसे आप लोगों में से किसी के मैं नाम ले लूँ कि अंत, इब्राहिम की जगह मैं कह दूँ इब्राहिम का नाम न बोलकर मैं कह दूँ अंत आप, तो ये ज़मीर है सब। इसी तरह मैं अपना नाम बोलने के बजाय मैं कह दूँ अन्ना मैं, या मैं आप सब लोगों का नाम लेने के बजाय मैं कह दूँ अंतुम तुम सब लोग, ये सब चीज़ ज़मीर बनाती हैं। तो किसी का नाम लेने के बजाय ज़मीर इस्तेमाल कर दिया जाए, जैसे हुआ वो, हिया, हुमा, हम, इसमें भी अलग है, वाहिद के लिए क्या ज़मीर आती है, एक के लिए, दो के लिए क्या आती है, मौनस के लिए क्या आता है, मर्द के लिए क्या आती है, मुज़क्कर के लिए क्या आती है, वो सब अलग बहस है,
इंशाल्लाह वो तीसरे सबक में आएगी, छठे सबक में, तब उसको अलग से पढ़ेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया ज़मीर की बहस। उसके बाद इसमें इशारा, जिस इस्म के ज़रिए किसी खास चीज़ की तरफ इशारा हो, जैसे इसकी पहले बहस आई थी हाजा 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 कलम, ये कलम है, ये सब इशारा किसी चीज़ की तरफ, या हाजा भवा बतून, ये दरवाज़ा है, किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करके जो बोला जाता है उसको इसमें इशारा कहते हैं, जैसे हाजा हाजी जालिका तिलका, ये सब बहस आ गई है। तो इसमें इशारा जिस इस्म के ज़रिए किसी खास चीज़ की तरफ इशारा किया जाए तो उसको इसमें इशारा कहते हैं, हाजा हाजी जालिका तिलका, ये सब इसमें इशारा किसके अंदर आते हैं, मारिफा के अंदर, इसलिए कि खास हो जाते हैं। अगर मैं दरवाज़ा की तरफ इशारा करूँ तो दरवाज़ा खास हो जाता है, जैसे कहूँ हाजी बाबन या हाजी बवाबा तो दरवाज़ा खास हो गया, इसलिए ये सब चीज़ें मारिफा के अंदर आती हैं। उसके बाद मारफ बिल्लाम, वो इस्म नकेरा जैसे अलिफ लाम दाखिल करके माने मारिफा बना लेते हैं, जैसे वलदुन से अलवलद, वलदुन ये नकेरा है, इसका तर्जमा क्या होगा, कोई लड़का या एक लड़का, ये होगा नकेरा में आम होता है, आम माना मुराद होता है, लेकिन इसको मारिफा बनाए तो क्या कहेंगे, अल वलदुन, सिर्फ वलदुन पर अलिफ लाम दाखिल करना है और यहां से तनवीन हटा देना है बस। यहाँ पे तर्जुमा क्या हुआ, कोई भी लड़का या एक लड़का, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, लड़का कोई या एक या जाएगा, यह तर्जुमा का अंदर नहीं गया, तर्जुमा के अंदर तख़सीस हो जाएगी, खुसूस खास हो जाएगा, अल वलदु लड़का, खास लड़का, अल वलदु खास लड़का। तो ये तमाम पूरा सबक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई चीज पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद किसको अरे क्या मतलब, ये वाला लास्ट वाला मारला पिल्ला, किसी नकिरा है, जैसे यहाँ पे वलद है, ये नकिरा है, वलद से ये आम है, कोई भी लड़का मरा हो सकता है, लेकिन जब इसको खास करना हो, खास करना हो तो इस पर सिर्फ अलिफ लाम दाखिल करेंगे, कोई भी नकेरा हो उस पर अलिफ लाम दाखिल कर देंगे तो वो खास हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वलदुन है, इसका माना होता है कोई भी लड़का, लेकिन जब उस पर अलिफ लाम दाखिल कर देंगे शुरू में तो मारा माना होगा खास लड़का, खास लड़का। समझ में आ गए, उसके बाद एक नोट है, तर्जुमा का दिया है कि जब नकेरा का उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो क्या लगाएंगे, कोई या एक या चंद, ये सब, जैसे वलदुन है, ये नकेरा है, इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो क्या कहेंगे, कोई लड़का, एक लड़का, अगर इसकी जमा लाए औलादुन, इसका माना होता है चंद लड़के या कई लड़के, चंद लड़के या कई लड़के, तो उर्दू के अंदर इसका तर्जुमा नकेरा का जब तर्जुमा किया जाएगा तो एक या चंद से या किसी कोई, ये सब लगाएंगे। जैसे किताब हूं कोई किताब, वलद हूं कोई लड़का, और जब मारिफा का तर्जमा किया जाए तो उसके साथ खास या मुतैन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम मारिफा का उर्दू में तर्जमा करेंगे, जैसे ये अल वलद हो तो यहाँ पे ये खास लड़का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मुतैन लड़का लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या कहेंगे, लड़का। नकेगरा का हम लोगों ने तर्जुमा किया तो क्या लगाया, कोई एक लड़का, लेकिन यहाँ पे जब मारिफा का तर्जुमा करेंगे उर्दू के अंदर तो कहेंगे सिर्फ लड़का, सिर्फ लड़का कहेंगे, खास या मुतय्यन ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आज का मारिफा नकेरा की बहस खत्म हुई। तमरीन है, यह हल्का करने की जरूरत नहीं, अगर आप लोग चाहें तो अपनी तरफ हल कर सकते हैं, वक्त की किल्लत है। अब हम लोग चौथा सबक शुरू कर रहे हैं, ये भी इस्म की तकसीम है।
चौथा सबक है इसम की तकसीम जिन्स के एतबार से, इसम की तकसीम जिन्स के एतबार से। नंबर एक मुजक्कर, नंबर दो मुअन्नस, मुजक्कर मुअन्नस। इससे पहले हम लोग पढ़े वो भी इसम की तकसीम थी, इसम की किस्में थी लेकिन वो आम और ख़ास के एतबार से थी, लेकिन ये भी इसम की तकसीम है, ये जिन्स के एतबार से। तो जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर की तारीफ ये है कि जो लफ्ज़ नर को बताए, नर को बताए उसको मुजक्कर कहेंगे, और साथ साथ ये भी है कि उसमें मुअन्नस की कोई अलामत न हो। नर को बताएं, मादा नर, नर को बताएं और उसमें मुअन्नस की कोई अलामत न हो। मुअन्नस वो है मुजक्कर, मुजक्कर हुआ जो लफ्ज़ नर को बताए और उसमें मुअन्नस की तानिस की कलामत ना हो। तानिस की अलामतें बहुत सारी हैं, उसमें से घोलता है, उसमें से एक घोलता है, इसी तरह अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा है। ये सब किताबों के अंदर नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मुजक्कर की मिसाल है रजुलुन, रजुलुन का माना है मर्द या आदमी, रजुलुन का माना है उर्दू के अंदर मर्द या आदमी। तो इससे क्या मरद हो रहा है, इससे यही समझा रहा है कि नर का नाम है, नर को रजुलुन, ये लफ्ज़ नर को मान, नर का माना बता रहा है। इसी तरह यहाँ पे कुर्सी है, कुर्सी ये भी एक नर का माना दे रहा है, इसके अंदर तानिस की कोई अलामत नहीं है। तानिस कुर्सी के अंदर न घोलता है, न इसी तरह इसके अंदर अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा कोई भी नहीं है। उसके बाद मुअन्नस, मुअन्नस वो लफ्ज है, उसी तरह अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, जैसे यहाँ पे दिया हुबला, इसी तरह ये हुबला, इसके अंदर ये सब इसी तरह ये इनके अंदर अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा, यहाँ पे अलिफ ममदूदा है। उसी तरह मूसा ईसा, इसको सब अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा कहते हैं, ये अलग से इंशाल्लाह आगे आएगा। जैसे घोलता, जैसे किताबतन, ये घोलता है, घोलता आने की वजह से यहाँ पे ये मानस होगा। ये सब मुअन्नस के अंदर आ रहे हैं इंशाल्लाह, मुअन्नस के अंदर आ रहे हैं। मुअन्नस वो लफ्ज है जो मादा को बताए, मुअन्नस वो लफ्ज है जो मादा को बताए, मुजक्कर वो लफ्ज है जो नर को बताए और साथ साथ कोई तानिस की अलामत न हो, लेकिन मुअन्नस वो है जो मादा को बताए। जैसे मिसाल दी है मरियम, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये किसी औरत का नाम हो सकता है, इसके अंदर मादा का माना पाया जा रहा है। इसी तरह दूसरी मिसाल दी है उम्मन, उम्मन इसका माना है माँ, माँ ये एक मादा का माना दे रहा है। इसी तरह यहाँ पे दिया है बिनतुन, बिनतुन का माना होता है बेटी। यहाँ पे भी
नर का मादा का माना आ रहा है, माता का माना दे रहा है, बेंतुन का माना होता है बेटी लड़की। अब उसके बाद ये दे रहे हैं कि मौनस की अलामतें क्या हैं, कैसे जाना जाएगा कि ये लफ्ज या ये कलिमा मौनस है, तो उसकी तीन अलामतें जिक्र की गई हैं। उसके लफ्ज के आखिर में बोलता हो, घोलता, जैसे यहां पे दिया है धुमियतुन, ये घोलता है। घोलता आने की वजह से क्या है, मौनस है, मुजक्कर नहीं हो सकता है, इसलिए कि घोलता आ गया, घोलता। तो ये मौनस की पहली अलामत है, घोलता का होना, जिस लफ्ज के अंदर घोलता हो आखिर के अंदर वो लफ्ज मौनस होगा। ये याद रहे कि लफ्ज के आखिर में घोलता हो। नंबर दो, उस लफ्ज के आखिर में अलिफ ममदूदा हो। घोलता है लेकिन ये नर का माना दे रहा है, नर का माना दे रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर घोलता है लेकिन माना नर का दे रहा है। मौनस के अलामत है, मौनस के अलामत है। ये तो हमजा जैसे उसामा है, ये तो मारूफ है के आदमी का नाम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुनने से जानी जाती हैं, अरबी जबान के अंदर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो सुनने से, दो किस्म, एक क्यासी एक सिमाई। सिमाई का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे नाम हम लोग सुनकर अरब से सुनते आ रहे हैं, उससे समझा जाता है कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह एक क्यासी की होती है, क्यास करके बताते हैं कि ये क्या हो सकता है, मुजक्कर या मौनस, ये सब अलग बहस है। उसामा तो मशहूर है कि आदमी का नाम है, इसी तरह हमजा। तो ये दूसरी किस्म है अलिक ममदूदा, जैसे सहारा, सहारा ये अलिक ममदूदा है। इसी तरह हमरा, खुजरा ये अलिक ममदूदा, जिसका लफ्ज के अंदर ये अलिक ममदूदा हो उसको समझा जाएगा कि ये मौनस है, मौनस है। तो ये अलिक ममदूदा है। उसके बाद अलिक मकसूरा, अलिक मकसूरा जैसे सुगरा, इसी तरह पहले आया हुबला, बुशरा, ये सब अलिक मकसूरा है। इसी तरह ये देखिए मूसा ईसा, इनके अंदर भी अलिक मकसूरा आया है लेकिन ये मशहूर है कि ये मर्द का नाम है। मूसा नबी, ईसा नबी अलैहिस्सलाम, ये दोनों मर्द थे, मुजक्कर थे। वो तो ताता है, उकबा ऐसे आता है,
उकबा कैसे है? हाँ ऐसे याद है उकबा ये नहीं मालूम मुझे, ये तो मशहूर है, दूसरा मुझे नहीं मालूम। आखिर में ये देखिए नोट जिक्र किए हैं कि बाज़ अल्फाज नाकियत में मादा पर दलालत करते हैं और न ही उनमें कोई मज़कूरा बाला अलामत पाई जाती है, लेकिन अहले अरब उनको मौनस इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अल्फाज मौनस में कहते हैं, जैसे अर्ज़ुन शमसुन, अर्ज़ुन शमसुन ये मौनस है, लेकिन इनके अंदर न गोलता है, अर्ज़ के अंदर गोलता नहीं है। इसी तरह अली ममदूदा भी नहीं है, अली मकसूरा भी नहीं है, लेकिन हम लोग अहले अरब से सुनते हैं कि अहले अरब इनको मौनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीनों के अंदर अलामत नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सिमाई हैं सुनकर बोला जाता है, तो ये हम लोग पहले से अरब अहले अरब से सुनते आ रहे हैं कि ये मौनस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन तीनों अलामत में से कोई अलामत नहीं है, गोलता भी नहीं है, अली मकसूरा भी नहीं है, अली ममदूदा भी नहीं है। इसी तरह शम्स, इसके अंदर भी तीनों अलामत में से कोई नहीं है, गोलता भी नहीं है, अली मकसूरा भी नहीं है, अली ममदूदा भी नहीं है, लेकिन अहले अरब इसको किसके मौनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अलम हैं जिनको अहले अरब मौनस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई तानिस नहीं पाई जाती है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके अंदर मौनस की तीनों अलामत हैं, लेकिन उसको अहले अरब मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूसा, ईसा, ये सब, उसामा, ये सब सुनकर मालूम होता है कि मुज़क्कर है या मौनस है। वशम सुविधा कुमेरत, इसी तरह वशम सुविधा, कुरान के अंदर भी इसको बहुत सारे मकाम पर मौनस के लिए इस्तेमाल किया गया है। वशम सुविधा कुमेरत वन नो टू मेजर फतरत इधर शमस कुवेरत, ये कुरान के अंदर है, तो कुरान के अंदर भी इसको मौनस के लिए इस्तेमाल किया गया है। मौनस हम लोग अहले अरब से सुनते हैं, जो अहले अरब है जिनकी जुबान अरबी है वो उसको मौनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जैसे कुरान में वल अर्ज़ वस्समात मतवियातुन बियमीनी, अल्लाह ने भी कुरान के अंदर इसको मौनस के लिए इस्तेमाल किया है। मतवियात ये मौनस की जमा है। कुरान भी इस्तेमाल है, इज़्ज़त शम्स कुवरत मशहूर है, कुवरत ये मौनस का सगा है, उसके अंदर तामतु आने की वजह से। इसी तरह अली ममदूदा, ये अली ममदूदा, ये ममदूदा मतलब है खींचा हुआ, खींचा हुआ, हाँ खड़ा जबर है, जैसे मूसा के अंदर है। या पर आता है, या पर जो खड़ा जबर आता है वो अली मकसूर है। हाँ अली के बाद हमजा है, तौफ़ुतुन्नाव का दरस मुकम्मल हुआ, अब इंशाअल्लाह मिनाजुल अरबिया पढ़ेंगे।